So hello everyone, this is Sangeet Khanna and you are watching Throttle 98. So today I am back with another video and aaj main lene aaya hu apne liye ek scooty, which is the TVS Jupiter 2019 version, the latest version of the Jupiter. So yahan par kafi sara lineup hai, yahan par sari Jupiter khadi hai. This is a kind of a special edition of the Jupiter, and jo ye classic khada hai ye bhi ek special edition hai Jupiter ka. But humne standard variant liya hai because डिजिटल स्पीडोमीटर की इतनी नीड नहीं थी एंड कलर हमें पसंद आ रहा था, सो हमने जो लिया है वो बेसिक वेरिएंट लिया है. सो यहाँ पर काफ़ी सारी बाइक्स और स्कूटीज अवेलेबल हैं, यू कैन जस्ट लुक एट इट इन द शोरूम. और ये है एंटॉर्क, मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज के अंदर ब्लूटूथ वाला फीचर है एंड स्पेशली 125 cc है तो काफ़ी अच्छा है इसका एक एक्सलरेशन रहता है. और स्पेशली जो इसका एग्जॉस्ट है वो काफ़ी बढ़िया है. सो एंटॉर्क इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्कूटीज इन TVS. मेरे पास भी जुपिटर है जैसे कि आपको पता है, पर मेरे पास ग्रे कलर में है, मैट ग्रे में. ये सिल्वर कलर है. और यहाँ पर हमारे पास अपाचे RTR 200 4V भी है. दिस इज़ द रेस पैक एडिशन. मैंने इसका वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा. एंड काफ़ी प्यारी गाड़ी है RTR, काफ़ी अच्छी गाड़ी है. बस मुझे इसका हेडलाइट का थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा और अच्छा डिज़ाइन हो सकता था, अदरवाइज़ द बाइक इज़ वेरी नाइस, परफेक्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स यू कैन जस्ट बाय इन अ 200 cc क्लास. और हमने तो अब ले ली है जुपिटर द स्टैंडर्ड वेरिएंट, द 110 cc. और इसके अंदर सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आ रही है आजकल, जो नॉर्मली सारी स्कूटीज में मिल जाती है. वैसे जो प्राइस है TVS जुपिटर द स्टैंडर्ड वेरिएंट का है वो है 70,200 rupees, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एक्सेसरीज, सब कुछ इंक्लूड करके RTO इंश्योरेंस 5 years वाला, वो पड़ती है 70,200 की. So guys, the payment has done and बस एक्सेसरीज लग रही है, अब गाड़ी थोड़ी देर में लेने वाले हैं. कलर अच्छा इसलिए लगा बिकॉज यार अर्थ कलर क्या है, गंदा होता नहीं है और स्क्रैचेस लगते हैं तो मतलब पता नहीं चलता है. सो इसलिए प्रेफरेंस थी ये कलर लेने के लिए. बाकी यार बहुत अच्छी है गाड़ी, मेरा काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा है रिगार्डिंग द स्कूटी बिकॉज यार 3 से 4 साल हो गए हैं और आराम से बढ़िया चल रही है. और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे व्हीकल्स खड़े हैं. मैं बताया जैसे कि एंटॉर्क इज़ वन ऑफ माय फेवरेट व्हीकल, क्योंकि यार इसका यार एक अलग ही स्टांस है, काफ़ी अच्छा है, मज़ा आता है चलाने में. और भी यहाँ बढ़िया है, ये अच्छा है. अगर आपको रेट्रो फील चाहिए तो आप ले सकते हैं. इसके अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको नॉर्मल में ही मिलता है, बट एक थोड़ा सा रेट्रो फील है इसके अंदर. बाकी अगर आप ये लेते हैं एक स्पेशल एडिशन जो है, इसके अंदर आपको यहाँ डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल मिलता है, यहाँ पर आपको LED मिल जाती है आगे, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस. सो ये कलर अच्छा है लेकिन यार मतलब लेने का कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर चाहिए नहीं था हमें. सो इसलिए हमने स्टैंडर्ड वेरियंट ही लिया एंड काफ़ी बढ़िया है. ड्रम ब्रेक्स आते हैं, डिस्क ब्रेक की इतनी ज़रूरत है नहीं बिकॉज इतना तेज़ कोई चलाता नहीं है स्कूटी. इस वाले में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, विच इज़ द ZX वर्जन, इसका नाम है जुपिटर ZX. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एज इट इज़ रिटन ओवर हेयर. एंड गाड़ी रेडी हो रही है वहाँ पर अंदर. सो अब देखते हैं कि क्या क्या मिला है हमें एक्सेसरीज में, मैं आपको दिखाता हूँ. एंड लेट्स टेक द डिलीवरी ऑफ द सेकेंड जुपिटर ऑफ माई होम गाड़ी. So guys, this is my TVS Jupiter. You can just have a look. सो गाइज, कल रात को हम ले आए थे गाड़ी, जैसे कि आपने देखा है रात को मैंने शूट नहीं किया बिकॉज यार लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने रात को शूट नहीं किया. अभी हम दिन में शूट कर रहे हैं, ये है नेक्स्ट डे, ये है दूसरा दिन. और ये है हमारी TVS Jupiter द न्यू वन, विच इज़ द 2019 वर्जन.
और मैं काफी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ इस व्हीकल पे. एक वीडियो तो मैं जो बना रहा हूँ ये वाली है, इसके बाद एक वीडियो आएगी लाइक एक कंप्लीट ओवरव्यू रिगार्डिंग दिस बाइक, एंड एक वीडियो बनाएंगे कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड जुपिटर एंड द न्यू जुपिटर. और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने जुपिटर ही क्यों चूज करी नेक्स्ट वीडियो में. सो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसके बाद जो आएगा कंप्लीट ओवरव्यू रिगार्डिंग दिस मशीन. सो आपको उसके अंदर जवाब मिल जाएगा कि मैंने जुपिटर क्यों ली और बाइक क्यों नहीं ली, और मतलब स्कूटी क्यों नहीं ली जिसमें एक्टिवा आती है, एक्सेस आती है, एंटॉर्क आ जाती है, और भी कई सारी क्लिक काफ़ी सारी स्कूटीज आ जाती हैं. सो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा. अब मैं आपको बता देता हूँ इसके हमें क्या क्या दिया. एक्सेसरीज की बात कर रहा था तो एक्सेसरीज में बताया था आपको, यहाँ हमें देखो गार्ड दिया है यहाँ पर जो कि सेव करता है डेफिनेटली पूरी बॉडी को जब भी गाड़ी गिरती है. और मिरर्स एक्सेसरीज में आते हैं टीवीएस में, ये बात है. आगे हमें यहाँ ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि कुछ लोग एज एन ओपन डिग्गी भी कहते हैं इसको. और यहाँ पीछे भी हमें मिल जाता है यहाँ पर पूरी इसकी जो प्रोटेक्शन पूरा होता है. और बाकी फुटरेस्ट भी इसके अंदर आता है एज एन एक्सेसरी, साइड स्टैंड आता है एज एन एक्सेसरी. और मैं आपको डिग्गी में दिखाता हूँ, डिग्गी में जो चार्जर है वो भी एज एन एक्सेसरी आता है. देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक जो भी आपको चार्ज करना है चार्ज कर सकते हैं, पोर्टेबल चार्जर है. यहाँ हमें मिल जाता है टूल किट एंड फर्स्ट एड बॉक्स. और ये जो सीट कवर है ये भी एज एन एक्सेसरी आता है. और सीट कवर यार पहले से काफ़ी अच्छी क्वालिटी कर दी है टीवीएस ने, एंड आई एम वेरी इंप्रेस बिकॉज की जो कुशनिंग है इसके अंदर जो फोम की क्वालिटी है वो बेटर कर दी है. सो आई एम वेरी हैप्पी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी. अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर मत जाइएगा नीचे सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन, उसको तोड़ मोड़ फोड़ो जो करना है करो, बस दब देना चाहिए उसको, दबा के एग्री कर दीजिए. साथ में घंटे का आइकन दबाए बगैर मत जाइएगा. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, यहाँ लिख के आ रहा होगा. सो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम, वहाँ मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज डालता हूँ, वहाँ मैं लेटेस्ट अपडेट्स देता हूँ अबाउट ऑल द व्हीकल्स स्पेशली ऑल द सुपर बाइक्स एंड अ लॉट ऑफ बाइक्स. सो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो, एंड एज ऑलवेज बी हैप्पी नाइट सेफ. बाय बाय.